सुप्रभात, नमस्ते। तो यार हम लोग आ गए सुबह सुबह आज फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए। और ना आज का मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा अभी भी कोहरा है। और आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं और हम लोग आज थोड़ा लेट हो गए। तो हो गया, ठीक है, चलता है। वैसे भी ऐसे मौसम में नींद जल्दी खुलती नहीं है। और आज तो टाइम का पता भी नहीं चला कि यार इतना लेट हो रहा है। मतलब आज तो पापा आके बोल रहे हैं, कह रहे 6 बज गया उठो। मैं कह 6 बज गया, मुझे लगा भी मुश्किल से 5 बज रहे होंगे जिस हिसाब से बाहर कोहरा किया हुआ था। बट अभी ठीक है, अभी आ गए हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये आज का मौसम, ये देखो मस्त सूर्य देव उगे हुए हैं और सब तरफ कितना कोहरा किया हुआ है। यार मौसम आज का बहुत अच्छा है और बहुत ठंडा है और हवा भी बहुत चल रहा है। मतलब सब कुछ देख रहे हो कैसे हिल रहा है, सारा पेड़ पौधा मस्त एकदम लग रहा है, ठंडा ठंडा। आपको मिट्टी वाली है? कौन सा मिट्टी का घर, मेरे को तो कोहरा दिख रहा है हर तरफ, इतना ज्यादा कोहरा है, इतना मस्त मौसम है। मतलब भाटा है, भाटा लाजवाब। हम यहाँ से जो है कल्टी मार रहे हैं। चल बैठ गया है दीदी। तो हमारा वॉक किया तो हो गया। और आज ना चार्ली इतना परेशान किया कि क्या ही बताऊँ, मतलब इतना चलने का नाम ही नहीं ले रहा था एकदम। इतना मिन्नतें करके लेकर के आ रही हूँ इसको। और अब जो है हम धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं, तो सीधा घर ही जाकर रुकेंगे। देख रहे हो, मतलब इतना अड़ियल हो रहा है ना, मतलब दूसरी तरफ भाग रहा है, इसको इतना टाइटली पकड़ रखा है तो जाके सीधा चल रहा है ये। क्यों कर रहा है चार्ली तू आज ऐसा? सूरज की बाहों में भाई का दिल आ गया अब चिड़िया पे, पंछी बनू उड़ता फिरू। चार्ली किस किस पे दिल आ जाता तेरा? चार्ली दिल फेंक आशिक, गई वो ऐसे नहीं गई। एक बार ऐसे ही घर पे भी एक चिड़िया देख करके उसके पीछे दौड़ पड़ा था और आज फिर तो फ्रेंड्स पानी पीने के बाद ना मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे परिवार जन जो है, मेरे पिताजी और भाई लोग, यही लोग आए हैं पपीता तोड़ने के लिए। और मैं आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ के पपीते ज़्यादा पक चुके हैं कि दीमक और जानवर उसको पेड़ पे ही खा जा रहे हैं। और ये जो है ना मेरे घर का बैकयार्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे सारी तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू देता है घर के पीछे से। और यहाँ पे जो मेरे पिताजी है वो मस्त सा जुगाड़ लगा के ना यहाँ पे पपीता तोड़ रहे हैं, ताकि जो पपीता है ना वो ऊपर से तोड़ने के बाद ज़मीन पे गिर के फटे ना, क्योंकि जब पक जाता है ना तो वो एकदम ज़मीन से टकराते चकना चूर हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए बेस्ट टेक्निक है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी ऐसे पापा को नहीं देखा पपीता तोड़ते हुए। हालांकि हमेशा वही तोड़ते हैं, बट मैं आज पहली बार देख रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मेरे घर में लोग पपीता कैसे तोड़ते हैं। अयो पाके लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और ये देखो पापा पपीता का भंडार लेके जा रहे हैं अब नीचे, और मैं और मेरा भाई का ड्यूटी है कि सीढ़ी को सही सलामत नीचे लेकर के जाना है। और उसके बाद यहाँ मम्मी ना नींबू तोड़ रही है, और ये नींबू नहीं संतरा है, संतरा, इतना बड़ा बड़ा तो संतरा ही होता है। हमारे घर के नींबू इतने बड़े बड़े होते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, इसका तो हम अचार डाल देते हैं। और अब मैं इतना मुँह बना करके पोज दे करके काटने जा रही हूँ सब्जी। मतलब सब्जी काटने में भी कोई इतना पोज देता है जितने मैं देती हूँ। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे काट रही थी, सोच रही थी बड़े बड़े पीसेस करूँगी तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और पीछे ना मेरा भाई जो है वो चाय बना रहा है, आगे मैं सब्जी कट कर रही हूँ, और वो चाय काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाता है, जिसको देख के मेरे को भी थोड़ा लालच आता है। पर यार मैं चाय नहीं पीती और मेरे घर में बाकी कोई भी चाय नहीं पीता सिवाय मेरे भाई के। तो चाय नहीं पीते तो क्या हुआ, पार्ले जी तो खा ही सकते हैं चाय में डुबोकर, वो तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स चाय पानी करके हम आ गए हैं खेत में, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा दोनों भाई लोग जो है कुदारी चला के खेत कोड़ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लहसुन जो है रोपना है, तो पापा जी कर रहे हैं सुपरवाइजिंग और मम्मी भी यहीं पे खड़ी है, तो बारी बारी से सबको ही करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई भाई करेगा, इक्वालिटी का ज़माना है भाई। जब भाई कुदारी चला रहा है तो बहन क्यों पीछे रहेगी, तो यहाँ पर मेरी बहन और भाई अब दोनों मिलकर के कुदारी चला रहे हैं। और भाई मैं तो ये सब करूँगी नहीं, तुम लोगों को पता है मैं बीमारिया आदमी हूँ, तो भाई मेरे से तो होने से रहा ये सब।
और अब ना हम लोग घर से निकल चुके हैं क्योंकि यार पापा जी को ऑफिस जाना है और हम लोग को उनके साथ जाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्लैट पे मस्त तैयार श्यार होकर के, मैं, पापा, भाई और चार्ली। और ये देखो भाई, हमारे पहाड़ी वाले बाबा अगेन। यहाँ से काफी दूर दिख रहा है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास ले जाकर दिखाती हूँ। तो बोलो जय पहाड़ी वाले बाबा की। तो फ्रेंड्स अब जो है ना हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर जाने के बाद ना आज मैंने लंच में बनाया चिकन चावल, जो कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब नवरात्रि खत्म हो चुकी है, दशहरा खत्म हो गया, तो आज हमने चिकन चावल बनाया है। तो फ्रेंड्स खाना तो बन गया है और अब मैं काट रही हूँ सलाद, और मैं भी काटने जा रही हूँ पपीता। और ये एक ऐसा फूड है ना, आई लव टू ईट बट आई हेट टू कट, बट ठीक है यार करते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करे। ये तो वैसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से छिल जा रहा है, लेकिन जो होता है ना बहुत बार राइपन होता है एकदम मस्त पका हुआ, वो ना खाने में इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल आम के जैसा लगता है, बट उसको कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मेरे को ना वैसा पपीता बहुत अच्छा लगता है, एकदम पका हुआ, एकदम वाह, एकदम बहुत ज़्यादा जूसी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मतलब थोड़ा आसानी से हो जा रहा है, तो ये मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क आई थिंक, सो है थोड़ा ठीक है। वैसे ये ऑर्गेनिक पपीते हैं, ये हमारे घर पे होते हैं, जो कि अभी मैंने दिखाया था, सुबह दिखाया था ना, पापा जी तोड़ रहे थे, वही वाले पपीते हैं ये। यार इसमें एक भी बीज नहीं है, कितना मस्त है ना, एकदम मस्त। तो फ्रेंड्स अब जो है सारा सैलेड रेडी हो चुका है, तो अब पापा जी भी जो है ऑफिस से आ चुका है, तो हम लोग पहले सब सैलेड खाएंगे और उसके बाद खाएंगे हम हमारा लंच चिकन चावल। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, या कैसा भी लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, सायोनारा।